YouTube चैनल का डिस्क्रिप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसका जो लिखने का तरीका अगर वो सही नहीं है तो कहीं ना कहीं हमारा जो चैनल है वो सर्च के अंदर आने में दिक्कत करता है। और इसको एक सही तरीके से कैसे लिखा जा सके और कैसे ये हमें बेनिफिट देगा और क्या क्या चीजें इसके अंदर कवर करनी है, तो मैं आपको ये पूरा लिखने का तरीका 5 स्टेप्स के अंदर क्लियर करने वाला हूं। तो जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल डिजिटल मंजीत। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं कि यूट्यूब चैनल का जो डिस्क्रिप्शन होता है, जो बेसिकली वो होता कहां है। सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, ये होता है अबाउट सेक्शन। जब भी कोई आपका चैनल विजिट करता है तो अबाउट सेक्शन होता है, वहां पर एक डिस्क्रिप्शन लिखा होता है। जो भी बड़े चैनल्स हैं उनका आप जाके देखो, वहां पे एक अबाउट सेक्शन के अंदर जो है प्रॉपर कंटेंट डला होता है। अब ऐसा क्यों करते हैं लोग, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं अपना जर्नी स्टार्ट करते हैं यूट्यूब के साथ में, उनको लगता है यार यूट्यूब अबाउट में कौन देखेगा, तो लोग जो है हमारे वीडियो देखने आते हैं, अबाउट थोड़ी देखने आते हैं। तो मैं आपको बता दूं, अबाउट एक बहुत ही अबाउट सेक्शन जो एक डिस्क्रिप्शन होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, राइट। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं 5 स्टेप्स को। पहला स्टेप होता है अबाउट योर चैनल। आपको पहले 1 या 2 लाइंस के अंदर जो है कंप्लीट करना है कि आपका ये चैनल किस चीज का है, मतलब किस तरीके आप वीडियोस जो है यहां पे अपलोड करने वाले हो, लाइक क्या डोमेन क्या है। बेसिकली आपको डोमेन डिस्क्राइब करना, लाइक ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड वीडियोस यहां पे मिलने वाली हैं, यहां पे कोर आईटी की जो वीडियोस हैं मिलने वाली हैं, प्रोग्रामिंग्स की मिलने वाली हैं, ऐप डेवलपमेंट की मिलने वाली हैं, या व्लॉगिंग है, या जो भी आपका जो भी आपकी निश है उस निश के अकॉर्डिंग, क्योंकि एक निश का एक डोमेन का काफी सारे पर्टिकुलर निशेस हो सकती हैं। तो ऐसे में आपको अबाउट जो है वो 1, 2 या 3 लाइनों को, मैक्सिमम 3 लाइनें, इससे ज्यादा नहीं जाना है। तो ये पहला आपको अबाउट योर चैनल बताना है कि इस पे किस तरह की डोमेन के आपको एक्सप्लेन करना है। दूसरा जो स्टेप होता है दैट टू डिस्क्राइब द निश, कि आप उस पर्टिकुलर डोमेन के अंदर कितने तरह के निश जो है वो कवर करने वाले हैं। निश कहने का मतलब है लाइक से फॉर एग्जांपल, मैं बोलूं कि मैं आईटी का जो मेरा एक चैनल है, राइट, उसके ऊपर में मैं क्या कर रहा हूं, मैं उसके ऊपर में नेटवर्किंग की वीडियोस डालूंगा, मैं उसके ऊपर में सर्वर्स की वीडियो डाल रहा हूं, मैं उसमें फायरवॉल से रिलेटेड डाल रहा हूं, अगर कोई डिजिटल मार्केटिंग का मेरा कोर्स है चैनल है उस पर मैं यूट्यूब से रिलेटेड वीडियोस डाल रहा हूं, मैं उस पर एसईओ से रिलेटेड वीडियोस डाल रहा हूं, मैं सोशल मीडिया से रिलेटेड वीडियो डाल रहा हूं, मैं आपकी गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, तो ये जो है उसके कोई एक सब कैटेगरीज हैं, या फिर आप उनको एक निश कह सकते हैं। ये आपके लिए डिफाइन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तीसरा जो स्टेप होता है दैट टू डिस्क्राइब कि अगर कोई भी, देखो अब चैनल क्यों स्टार्ट करा, चैनल हम इसलिए स्टार्ट करते हैं सो दैट कि हम एक ऑडियंस क्रिएट कर सकें, और ऑडियंस क्रिएट करके डेफिनेटली हमें कुछ ना कुछ तो बेनिफिट लेना है। तो बेनिफिट तभी आएगा ना जब लोग आप तक पहुंच पाएंगे। तो आप तक पहुंचाने के लिए जो है आपको बताना पड़ेगा, आपका कॉन्टैक्ट रीच डिटेल आपको देनी पड़ेगी। एक बार पर्सन आपके रीच पहुंच गया, आपके पास पहुंचने लग गया, चाहे फिर आप उसमें कॉन्टैक्ट नंबर डाल सकते हैं, अगर कोई बिजनेस है तो डेफिनेटली आप उसके अंदर अपना एड्रेस वगैरह भी डाल सकते हैं। चौथा स्टेप होता है कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन कहने का मतलब है कि अब डेफिनेटली हमारा यूट्यूब चैनल है, तो यूट्यूब चैनल है तो वीडियो के ऊपर में हम वीडियो डाल रहे हैं, तो उसके ऊपर में क्या होना चाहिए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, ये 3 चीजें जो है हमारी कॉल टू एक्शन है। बहुत लोग जो है ये बोलते हैं कि भाई ये आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, राइट, कि अगर आप ऐसा बोलते हो तो थोड़ा सा चीप लगता है। नहीं, कोई चीप नहीं लगता भाई। अगर मैंने प्रोडक्ट, एक सिंपल मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी बताऊं, अगर मैंने अपना एक प्रोडक्ट बनाया है और उस प्रोडक्ट की मैं मार्केटिंग ही नहीं करूं तो बेवकूफ कौन है, मैं बेवकूफ हूं कि मैंने प्रोडक्ट बनाने में मेहनत कर दी लेकिन अब जब मार्केटिंग की, प्रमोट करने की बात आ रही तो मैं कर ही नहीं रहा हूं, राइट। तो इसलिए यहां पे जो यूट्यूब चैनल है उसको प्रमोट करने का तरीका सिंपल है, भाई वीडियो पे आए हो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद में हमें ये पिच करना है, कॉल टू एक्शन लेना है कि भाई वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, और नए हो चैनल पे सब्सक्राइब जरूर करके जाना। ये मैं आपको बता भी रहा हूं और आपको रिक्वेस्ट भी कर रहा हूं कि नीचे साइड पे बटन है सब्सक्राइब का, उसको सब्सक्राइब भी कर देना, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। ये हो गया कॉल टू एक्शन।
पांचवा होता है जो भी हम डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं उसके अंदर हमारे कीवर्ड्स स्टफ होने चाहिए। कीवर्ड कहां लिख सकते हो, लाइक मैंने बोला निश, जो सेकंड ऑप्शन मैंने आपको बताया निश, तो निश के अंदर जो है हम कीवर्ड लिख सकते हैं। कैसे कीवर्ड लिख सकते हैं, लाइक बेस्ट नेटवर्किंग वीडियोस राइट, या फिर बेस्ट आपके सर्वर वीडियोस, इस तरह के जो भी आपके लाइक डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज या यूट्यूब मार्केटिंग कोर्सेज या यूट्यूब आपके कोर्सेज फ्री कोर्सेज राइट, जो भी आपके डोमेन के अकॉर्डिंग जो कीवर्ड्स हैं वो आप सेकंड वाला जो ऑप्शन है निश का उसके अंदर आप उनको कवर भी कर सकते हो। यानी कि आप उसमें निश भी बता रहे हो और साथ ही साथ जो है उनमें ही आप कीवर्ड का भी इस्तेमाल कर रहे हो। तो ये पांच ऐसे स्टेप्स हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन को लिखने के लिए। डेफिनेटली इसके अकॉर्डिंग जो है हमें वीडियोस के डिस्क्रिप्शन भी लिखने होते हैं, लेकिन उसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिफरेंट होता है जो आने वाले वीडियो के अंदर हम कवर अप करेंगे। बट अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि हमें कितना कॉन्टेंट लिखना है। तो कोई बहुत ज्यादा कॉन्टेंट नहीं लिखना है, आपको मैक्सिमम जो यहाँ पे अलाउड है दैट इज 1000 कैरेक्टर्स, और 1000 कैरेक्टर्स के अंदर जो हम लोग स्पेस का इस्तेमाल करते हैं वो भी इंक्लूड है। यानी अप्रोक्सीमेटली देखा जाए तो 180 से 200 वर्ड के करीब ही आपको लिखने हैं और कोई बड़ी बात नहीं है राइट। तो आसानी से जो है आप एक प्रॉपर प्रोफेशनल डिस्क्रिप्शन जो है वो लिख सकते हैं। सो गाइस आई होप कि आपको जो है पता चल गया होगा कि किस तरह से एक यूट्यूब चैनल का प्रॉपर जो डिस्क्रिप्शन है वो लिखना होता है। 5 स्टेप्स के अंदर मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और नए हो चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल के ऊपर में हम YouTube से रिलेटेड SEO, Google Ads, डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग वगैरह से रिलेटेड वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आते रहते हैं। फिर मिलता हूं एक और नए अमेजिंग वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे सेफ, गुड बाय।